बॉलीवुड के संजू बाबा संजय दत्त लास्ट स्टेज कैंसर से पीड़ित हैं, लंग कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं। ऐसे में संजू बाबा की कैंसर कितनी घातक है, कितनी दर्द भरी है और इसका इलाज भी कितना ज़्यादा दर्द भरा है, कितना मुश्किल है आप भी जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी ही माध्यम है संजय दत्त के इलाज का, सर्जरी नहीं हो सकती इस स्टेज पर। सिंगापुर के लिए रवाना होंगे संजय दत्त इस बीमारी का इलाज के लिए। ये सारी खबरें हमने आपको दी हैं, तो वहीं इसी के साथ एक और बड़ी खबर आई। संजय दत्त जो चिंता में है अपनी चार फिल्मों को लेकर, उन चार फिल्मों को लेकर कही जाए तो लगभग देखा जाए तो 750 करोड़ रुपए दाव पर लग गए हैं। जी हाँ, 750 करोड़ की जो चार फिल्मों की कलेक्शन होगी, जो बजट है उसकी हम बात करेंगे। बजट वाली फिल्मों पर संजय दत्त काम कर रहे हैं। KGF 2 है, Sadak 2 है, पृथ्वी है, इस पर कुछ ब्राइड ऑफ इंडिया है, ये सारी फिल्में हैं जिसमें संजय दत्त को अहम भूमिका में देखेंगे आप। ऐसे में संजय दत्त का अगर फिल्म में शूटिंग रुक जाए तो फिल्मों को करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। संजय दत्त अपनी फिल्म KGF 2 में अधीरा के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और इसी बीच उन्हें इस बीमारी ने ऐसे अपनी चपेट में लिया है कि संजय दत्त कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास फिलहाल इलाज कराना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है अपनी सेहत के लिए। अब ऐसे में संजय दत्त को अपनी बीमारी का इलाज कराते हुए अपनी फिल्मों को लेकर किए गए वादे को निभाना है। वो कैसे इस वादे को निभाएंगे इसे लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं। प्लानिंग चल रही है कि कैसे शूटिंग की जाए, कीमोथेरेपी लेकर संजय दत्त वापस शूटिंग के लिए लौट सकते हैं। KGF 2 की शूटिंग बची है, Sadak 2 के प्रमोशंस बचे हैं, इसी वजह से संजय दत्त की जो हाल ही में Sadak 2 के ट्रेलर को डिसलाइक मिला उसे लेकर संजय काफ़ी दुखी भी नजर आए। खबर आई कि संजय दत्त को उम्मीद काफ़ी थी इस फिल्म को लेकर, प्रशंसक उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन फिल्म को दुनिया का सबसे ज़्यादा डिसलाइक मिला है। 8 मिलियन यानी कि 80 लाख लोगों ने नापसंद किया है, नेगेटिव रिस्पॉन्स नेगेटिव कमेंट्स आए हैं जिसे लेकर संजय दत्त काफ़ी दुखी भी है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि संजय दत्त की फैमिली तो उनका सपोर्ट कर रही है, लेकिन बॉलीवुड से रिएक्शन मिलने के बावजूद, सपोर्ट मिलने के बावजूद चाहने वालों के बीच संजय के लिए दुआओं का असर हो इसी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।